प्रणाम। आज हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो सर्व सामान्य व्यक्ति है उन्होंने शायद ये वृक्ष देखा भी नहीं होगा कभी। जी हाँ, तो ये वृक्ष है बरुना। हिंदी में इसे बरना कहते हैं, गुजराती में इसे वायवर्णों कहते हैं, मराठी में इसे वरुण साल कहते हैं, संस्कृत में इसे वरुण भी कहते हैं, कुमारका कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नामों से ये वनस्पति लोग पहचानते हैं। तो ये वनस्पति देखने को कहाँ मिलती है? तो हमारे भारत देश में ये कर्नाटक, बांग्लादेश या फिर हिमालय के जो प्रदेश हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये जंगलों में जहां ज्यादा से ज्यादा पानी है, तो ऐसी जमीनों पे ये वृक्ष पाया जाता है। क्योंकि ये औषधि वृक्ष है तो औषधि के प्रयोजन से काफी लोग इसकी उत्तर भारत में खेती भी करते हैं। तो ऐसा ये वृक्ष काफी ऊंचाइयों तक जाता है। ये वृक्ष की अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो 25 से 30 फुट होती है और काफी हरा भरा ये वृक्ष, इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके फल भी होते हैं और वे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसकी टहनियां अगर आप देखेंगे, इसकी शाखाएं आप देखेंगे, तो ये वृक्ष की शाखाएं काफी फैली हुई होती है। इसकी छाल, इसके फल, इसके फूल, अगर आपको इसके फूल देखने भी हैं तो वसंत ऋतु में आप इसके फूल देख सकते हैं। इसके फूल पहले तो जब ये फूल आते हैं तो ऐसे गुच्छेदार होते हैं, हल्के सफेद रंग के होते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा समय बीत जाता है तो उसके बाद ये थोड़े पीले रंग के दिखने लगते हैं और उसके अंदर होते हैं सुंदर से भूरे रंग के परागकण। लेकिन ये फूल की विशेषता ये है कि ये जब सफेद रंग से पीले रंग के होने लगते हैं, यानी ये जब थोड़े से पकने लगते हैं, तो इसके जो परागकण होते हैं उसके ऊपर की तरफ जैसे फूलों का रंग होता है वैसे ही इसके परागकण के ऊपर आपको पीले पीले छोटे छोटे बूंदे दिखने लगते हैं जो ये पुष्प को ज्यादा आकर्षित बनाते हैं। तो ये इसके सुंदर से फूल, इसकी महक भी बहुत ही अच्छी होती है, काफी गुच्छेदार दिखते हैं। तो ये ऐसे सुंदर से दिखने वाले फूल सुशोभन के लिए भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। लेकिन जैसे इसके फूल हैं वैसे ही इसके फल हैं। फल अगर आप देखेंगे तो सुपारी की तरह गोल होते हैं और जब ये फल आते हैं तो ये होते हैं हरे रंग के, काफी अंडाकृति के तरह और सुपारी की तरह होते हैं ये फल। इस फल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी बीज पाए जाते हैं, लेकिन ये जब पक जाते हैं तो हल्के से लाल और बैंगनी कलर के भी दिखते हैं कभी कभी। तो ऐसे ये सुंदर से फल अगर आपके आसपास कहीं वरुण साल, यानी ये जो बरना वृक्ष है इसका वृक्ष है, तो आप इसके फल और फूल जरूर देखिएगा। दूसरा विशेष इस वृक्ष का ये है कि इसकी पत्तियां, अगर आप देखेंगे तो वे पूरे शाखाओं पे तीन तीन दिखती हैं, यानी जैसे बिल्व पत्र होता है वैसे ही इसकी वरुण साल की पत्तियां दिखती हैं। लेकिन इसका आकार अगर आप देखेंगे तो ये शंखाकृति की तरह होती है, जैसे शंख होते हैं वैसे ही इसकी आकृति होती है और आगे से थोड़ी नुकीली होती है और थोड़ी सी इसके पत्ते जाली युक्त होते हैं, यानी अगर आप इसकी पत्तियां देखेंगे तो उसमें काफी छोटी छोटी जाली आपको दिखती है। तो ऐसे इसकी पत्ती भी काफी गुच्छेदार दिखते हैं हमें शाखाओं पे। तो ये जो वरना वृक्ष है इसकी छाल, इसकी पत्तियां, ये बहुत ही औषधीय है। यानी अगर आप हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ते भी हैं, यानी चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, भाव प्रकाश हो,
तो ऐसे सारे ग्रंथों में आपको वरुण सल के काफी फायदे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं वरुण सल की छाल का उपयोग क्या है। अगर आप इस वृक्ष की छाल देखेंगे तो उसका रंग थोड़ा सलेटी की जैसे होता है, और उसकी अगर आप मोटाई देखेंगे तो 1 से 1.5 इंच मोटी होती है इसकी छाल। इसके छाल का चूर्ण बनाया जाता है, यानी पाउडर बनाया जाता है, जिसका हम आयुर्वेद में उपयोग करते हैं। इसकी छाल जो है इसका स्वाद थोड़ा कटु होता है, और गुणों में ये हल्का और थोड़ा रुक्ष होता है। काफी कटु ऐसी औषधि है ये। काफी लोगों को शरीर में पथरी का तकलीफ रहता है, यानी वात और कफ का असंतुलन जब हो जाता है हमारे शरीर में तो उससे काफी तकलीफें होती हैं। तो उसमें एक तकलीफ ये पथरी की रहती है। तो मूत्राशय या मूत्र के जो रोग हैं उसके लिए हम इस छाल का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि अगर इस छाल का आप गर्म पानी में इसको उबालते हैं और उसका प्राशन करते हैं तो आपके शरीर में अगर पथरी भी है तो वो निकल जाती है। यानी इसका कर्म ऐसा है कि ये मलरोधक है, ये भेदी है। यानी कोई भी अगर चीज़, यानी पथरी जैसे अगर आपके शरीर में पत्थर भी है तो उसको फोड़ने की ताकत ये वरुण रखता है। ये इसका विशेष गुण है। कभी कभी कुछ लोगों को काफी सूजन आती है पैरों में, तो ऐसे समय में इसका चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इसकी पत्तियां उसको गर्म करके, जहां पे अगर आपके पैरों में कहीं सूजन भी आई है तो ऐसी जगह पे इसको बांध देते हैं ताकि सूजन कम हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को शरीर में गांठियां होती है, कुछ लोगों को गंडमालाएं होती है, तो ऐसे समय इसके चूर्ण का प्राशन कर सकते हैं, या फिर बाहरी औषधि के लिए इसको बाहर से इसका लेपन भी कर सकते हैं। अगर गांठियों की तकलीफ है तो ऐसे समय इसकी पत्तियां और छाल इसको गर्म करके एक पोटली बनाई जाती है। वो पोटली को हम उस जगह अगर सेकते हैं तो गांठियों की तकलीफ दूर होती है। तो ऐसे इसके औषधि गुण हैं। और एक ऐसा इसका ये महत्व गुण है कि काफी लोगों को गाउट की तकलीफ होती है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब आपके शरीर में वात बढ़ जाता है या कफ बढ़ जाता है तो ऐसे समय आपको गाउट की तकलीफ होने की संभावना है। गाउट की समस्या तो पता ही होगी कि काफी सूजन आती है, जलन होती है। तो ऐसे समय अगर हम ये वरुण सल का उपयोग करते हैं तो गाउट जैसी तकलीफ भी हम दूर कर सकते हैं। यानी इसके प्राशन से, इसके चूर्ण के प्राशन से हमारे शरीर में जो वात बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है तो ऐसे को ये संतुलित करता है, जिसके वजह से हमें गाउट की तकलीफ कम होने लगती है। लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वे वरुण का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये पित्त बढ़ाने वाली औषधि है। तो जिनको पित्त प्रकृति है वे चिकित्सक की सलाह लिए बिना इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो छाल है वैसे इसकी पत्तियां हैं। कुछ लोगों को कम भूख लगती है, भूख न लगने की समस्या होती है, तो ऐसे समय आप समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर में पित्त वात और कफ का संतुलन कुछ बिगड़ गया है। और वो संतुलन जब बिगड़ता है तब हमारे पाचन तंत्र पे उसकी असर होती है। तो ऐसे में भूख कम लगना, तो ऐसे समय ये वरुण हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है अगर आप इसका प्राशन करते हैं। तो जिनको भूख कम लगती है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि जिनको नेत्र रोग है, यानी आंखों में जलन होना और काफी ऐसी समस्याएं होती है लोगों को आंखों को लेके, तो ऐसे समय अगर आप इसकी छाल का जो चूर्ण है उसका बाहर की तरफ से इसका लेपन करते हैं तो आपको उसमें राहत मिलती है। दूसरा है, काफी लोगों को संधिवात की तकलीफ होती है, उसमें कभी कभी हमारे घुटने दर्द होते हैं, हाथ दर्द होते हैं,
तो जब आपको अगर घुटने दर्द हो रहे हैं तो ऐसे समय आप वरुण की पत्तियां ले, उसे पीस कर अगर उसका लेपन आप घुटनों पे करते हैं तो दर्द में भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो ऐसे सारी छोटी छोटी जो हमारी बीमारियां हैं इसके ऊपर ये वरुण काफी फायदेमंद है। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं यानी मधुमेह की तकलीफ रखते हैं तो ऐसे लोगों को भी वरुण साल बहुत ही इस्तेमाल कर सकते हैं वो, लेकिन ये सब चीज़ें चिकित्सक को पूछ के ही कीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी प्रकृति अगर पता नहीं होगी तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए पहले आप जानिए कि मेरी प्रकृति कौन सी है, मेरी प्रकृति वात है, कफ है या पित्त है। ये जानने के बाद आप सही मात्रा में वरुण का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये वरुण जो है इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पथरी के लिए ही किया जाता है, यानी मूत्र रोग जो होते हैं उसके लिए जो समस्या हमें उत्पन्न होती है हमारे शरीर में उसी के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वरुण वृक्ष इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ जैसे हमारे जो गुरुदेव हैं तो हमारे पास भी काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पथरी की समस्या रहती है, तो ऐसे समय हमारे गुरुदेव उन्हें यही वरुण साल का चूर्ण, उसमें पाषाण भेद, ऐसी दो तीन चीज़ें यानी ऐसे दो तीन वृक्ष उसका मिलाप करने के बाद जो चूर्ण बनता है उसका प्राशन करने के लिए हम लोगों को देते हैं, ताकि काफ़ी लोगों को दवाई लेने के बजाय आयुर्वेदिक पाउडर लेने से ही उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अगर पथरी भी शरीर में हो गई है तो उसका निवारण होता है। तो ये है हमारा ऐसे सबसे अच्छा और सुंदर सा ये वरुण वृक्ष। तो अब हम मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक आयुर्वेदिक वृक्ष के साथ। तब तक के लिए घर में सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों के बारे में जानकारी लीजिए और हो सके तो एक वृक्ष अपने घर में भी लगाएं, ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सके जिसकी हमें अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।